हे एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज हमारा जो चैप्टर है वेक्टर्स वाला वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब आज हमें करना क्या है, एक दो टॉपिक पढ़ने हैं और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे ना इस चैप्टर के, आज वो सारे कवर करेंगे। राइट। सो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको पिछले जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं, जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, फॉर्मुला शीट्स हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है प्रोजेक्शन का। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा आपको कि सपोज कीजिए एक वेक्टर है ए, आपको इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है एक दूसरे वेक्टर के ऊपर, बी के ऊपर। आपके पास एक वेक्टर है ए, आपको ए की प्रोजेक्शन निकालनी है बी के ऊपर। तो वो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है उसको सेम रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किसका के साथ करेंगे, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है ना उसका यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर है ए कुछ इस प्रकार और एक दूसरा वेक्टर है बी कुछ इस प्रकार, मुझे इस वेक्टर ए की प्रोजेक्शन निकालनी है। प्रोजेक्शन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो शेडो, परछाई, आप ऐसे समझ सकते हो। राइट। सो अगर मुझे इस वेक्टर ए की शेडो या प्रोजेक्शन निकालनी है इसके ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर, सो दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट पी कैप। राइट, और उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी रहा होगा थीटा। तो सिंपल सा फंडा है, जिसकी प्रोजेक्शन निकालनी है उसको सेम रखेंगे, डॉट, जिसके ऊपर निकालनी है उसका यूनिट वेक्टर, एंड काम खत्म। ठीक है, ये सब चीजें हमें निकालनी आती है। ए डॉट बी, हम प्रीवियस दो लेक्चर्स में इन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, छोटा सा टॉपिक है तो क्वेश्चन की हेल्प से सिखा रहा हूं आपको करना कैसे है। आपको ए वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है दूसरे वेक्टर के ऊपर, बी के ऊपर। राइट। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कैसे आएगी, जिसकी निकालनी है उसको सेम, डॉट प्रोडक्ट, जिसके ऊपर निकालनी है उसका यूनिट वेक्टर। सो ए वेक्टर को एज इट इज, डॉट बी वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, क्योंकि हमें बी का यूनिट बनाना है। राइट, वैल्यूज पुट कर लेते हैं सबकी। ए है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट विथ बी वेक्टर है मेरा माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने सीखा है पिछले दो क्लासेस से, हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा दो वेक्टर्स का तो i वाला i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा और k वाला k के साथ मल्टीप्लाई होगा। बात नीचे की करें तो ये 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा, दैट विल बी रूट 3। सो ये आएगा 7 माइनस 2 5, दैट इज 5 अपॉन रूट 3 यूनिट्स। सो भाई ये बनेगी प्रोजेक्शन और ये आएगा आपका फाइनल आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं एमसीक्यू वाले पार्ट की, सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू है या फिलर्स है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल से क्वेश्चन के लिए। राइट, चल आगे चलते हैं, कुछ नई चीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा इससे रिलेटेड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग दो नॉन जीरो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे ना उसकी नोटेशन में बीच में क्रॉस आएगा। राइट, सो उसके नोटेशन बीच में क्या आएगा, क्रॉस आएगा। और वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी अ यूनिट वेक्टर। जैसे हम लोगों ने पिछले वाला प्रोडक्ट पढ़ा था उसका आंसर स्केलर आ रहा था, कॉन्स्टेंट आ रहा था, इसलिए उसका नाम स्केलर प्रोडक्ट था। उसमें डॉट का यूज हो रहा था तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते थे। यहां पर नोटेशन में क्रॉस का यूज हो रहा है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं। इसका आंसर एक वेक्टर आता है इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और मुझे उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा, मॉड ए मॉड बी, वहां पर cos थीटा होता था, यहां पर sin थीटा है और साथ में क्या है n कैप। अब ये n कैप क्या है, n कैप भाई आप ऐसे मान के चलो, जैसे मान लो कि ये दो वेक्टर्स है मेरे पास, दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर, और मैं a से b के ऊपर बात कर रहा हूं, दिस इज माय b वेक्टर और इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है थीटा। सो भाई ये दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, a और b नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। अगर मुझे बात करनी पड़ जाए कि भाई ये n कैप क्या है यार, ये n कैप क्या बता रहा है, तो कुछ नहीं करना है, आप देखो सिंपल सा फंडा करो, आप अपने इस राइट हैंड को लो, कहां से शुरू हुआ है गेम, a से b पे जा रहा है ना, आप इसको ऐसे अपने फिंगर को ऐसे करो स्ट्रेट, थंब को ऐसे करो वर्टिकली अपवर्ड्स, राइट, मतलब बाहर की तरफ करना है इसको। सो आप इसको ऐसे कर्ल करो ऐसे, क्योंकि मैं a से b पे जा रहा हूं ना, देखो a से b पे जा रहा हूं मैं, ऐसे ए से बी पे जा रहा हूं तो आपका थंब इधर आएगा ना, सो आपका जो थंब होगा दैट विल बी एन कैप। मतलब एन कैप क्या होने वाला है, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा,
वो कौन सा होगा? एन कैप। सो एन कैप आपको सिर्फ डायरेक्शन बताएगा कि ए और बी के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर आएगा। मतलब जब भी हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे ना, इसका मतलब ये होगा कि इसकी डायरेक्शन कौन देगा? एन कैप देगा। और इसका मैग्नीट्यूड कौन देगा? ई क्वांटिटी देगी, राइट? क्योंकि ये वेक्टर आने वाला है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए, इसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए। सो जो आपका एन कैप है ना, वो इसके परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे, ये आपका एन कैप होगा। अगर मैं बी से ए की तरफ जाता, मतलब ऐसे ऐसे करता बी से ए की तरफ, तो जो परपेंडिकुलर है वो अंदर की तरफ जाता, मतलब दूसरी साइड से निकल जाता, राइट? ये कुछ इस प्रकार चीजें हैं। अगर ए और बी जीरो है तो डेफिनेटली क्रॉस प्रोडक्ट को हमें जीरो डिफाइन करना ही पड़ेगा। बाकी सारी चीजें हैं इनके बारे में हमें पता है, जो यहाँ लिखा है मैंने आपको समझा दिया। यही चीज है कि अगर हम ए से बी पे जा रहे हैं तो जो वर्टिकली आउटवर्ड्स होगा वो आपको क्या देने वाला है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी। कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है कि ए क्रॉस बी क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होने वाला है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। और अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना पड़ जाए तो इस बार क्या होगा? कुछ नहीं है, सेम आएगा मॉड ए मॉड बी, क्योंकि एंगल का उल्टा हो जाएगा इस बार, तो वो साइन ऑफ माइनस थीटा आ जाएगा। तो माइनस हमें पता है साइन में से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के कैसे किसके इक्वल होंगे? माइनस टाइम्स के, राइट? सो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि बाकी पॉइंट्स को बड़ा इजिली डिस्कस कर सकें। अब बात करते हैं आई क्रॉस आई की। अब आई क्रॉस आई को मैं यहां पुट करता हूं, आई क्रॉस आई, यहां पर आई का मोड वन हो गया, आई का मोड वन हो गया। आई क्रॉस आई में कितना एंगल बनने वाला है? जीरो, साइन जीरो जीरो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? जीरो। तो आई क्रॉस आई क्या होगा? जे क्रॉस जे क्या होगा? और के क्रॉस क्या क्या होगा? हमेशा जीरो। बात करें आई क्रॉस जे की, जरा सोच के देखो, बात करते हैं आई क्रॉस जे की। तो यहां पर आई का मोड वन, इसकी जगह पे जे का मोड वन, ये x एक्सिस के अलोंग होता है, ये y एक्सिस के अलोंग होता है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और लास्ट में n कैप। सोच के देखो, आप x एक्सिस से y एक्सिस की तरफ जा रहे हो, जरा सोच के देखो, हम लोग सिस्टम ऐसे बनाते हैं, हम लोग सिस्टम ऐसे बनाते हैं, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। आप x एक्सिस से y एक्सिस की तरफ जा रहे हो ऐसे, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर कौन होगा? z एक्सिस होगा। आप ऐसे जा रहे हो तो परपेंडिकुलर कौन होगा? z एक्सिस होगा। और z एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है? k कैप। इन द सेम वे, अगर आप जे क्रॉस के करोगे, मतलब वाई एक्सिस से जेड एक्सिस पे जाओगे, अगर वाई एक्सिस से जेड एक्सिस पे जाओगे तो इनके परपेंडिकुलर कौन आ रहा है? एक्स एक्सिस, तो मतलब कौन आएगा? आई कैप। इन द सेम वे के क्रॉस आई क्या होगा? जे कैप। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, आई क्रॉस जे का लिख दिया जे क्रॉस आई, तो यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी किसका साइन आ जाएगा? माइनस का। जे क्रॉस के को उल्टा करके लिख दिया तो क्या आ जाएगा? माइनस आई। और के क्रॉस आई को उल्टा करके लिख दिया आई क्रॉस के, तो क्या आ जाएगा? माइनस जे, राइट? तो ये सिंपल सा फंडा है। फिजिक्स में इसको ऐसा भी पढ़ाया जाता है कि आप ऐसे एक बना लो कि अगर हम लोग i से j पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव k, j से k पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव i, और k से i पे जा रहे हैं तो पॉजिटिव j, और उल्टा चेंज कर देंगे तो बीच में नेगेटिव आ जाएगा, राइट? सो आप जैसे मर्जी याद रखो, आपको याद रखने से मतलब है, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे याद रख सकते हो। सो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया तो वो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, और अगर वो वेक्टर्स पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। ये बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी जीरो हो गया ना तो साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नॉन जीरो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा कहां जीरो होगा? जीरो पे या 180 पे, दोनों ही केसेस में वेक्टर्स पैरेलल कहलाएंगे। और अगर आपका दो वेक्टर्स पैरेलल है तो डेफिनेटली इनके बीच में एंगल कितना होगा? जीरो या 180, तो उस केस में भी साइन थीटा जीरो होगा, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? जीरो। तो ये नेक्स्ट हो गया। अरे नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, हमने ए क्रॉस बी वाले फॉर्मुले में से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है, हमने ए क्रॉस बी वाले फॉर्मुले में से साइन थीटा की वैल्यू निकाली है, दैट्स इट। हमने यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाली है और मोड अप्लाई किया है, तो आपका आंसर ये आएगा। बट अब बात ये है कि यार इस फॉर्मुले का यूज कब करना है? ये भी तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है ना, और हमने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो इसका यूज तभी करना है जब आपको बोलेगा ऐसे कि इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, या आपको बोल दे कि फाइंड साइन थीटा, तब इसका यूज करना है, वरना हमेशा उस कोस थीटा वाले का यूज करना है जो डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, कब? जब भी आपको एंगल निकालना पड़ेगा। सो इसका यूज तभी करना है जब आपको स्पेशली अलग से मेंशन कर दे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, या लिख दे फाइंड साइन थीटा, तब इस फॉर्मूले का यूज होगा, वरना इसका यूज नहीं होने वाला है, फाइन। चलो ये नेक्स्ट पॉइंट है,
ये तो हम लोगों ने बात करी ली कि ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये हम लोगों ने अभी बात कर ली कि अगर आपको मैं ऐसे बोलूं कि कैसा वेक्टर बताओ जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा अगर वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा? ए क्रॉस बी। अब बात ये आएगी ए क्रॉस बी निकालने का ना एक तरीका यहाँ पर ऐसे भी है, जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा था कि भाई आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्टकट सीखा था, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालने का शॉर्टकट ये होता है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, जरा ध्यान से देखिए करना कैसे है। मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, यहां पर आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर पहले ए वेक्टर पढ़ा है ना तो सेकंड रो में ए के कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे यहां से 1 2 1। बाद में बी वेक्टर पढ़ा है तो बाद में बी वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे -1 2 -3। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हमें आता है सो हम लोग इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 3 और 4 में किया था। सो ये बनेगा -8i कैप + 2j कैप + 4k कैप, ये बनेगा ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है। एक और तरीका होता है बट वो ना थोड़ा लेंथी चला जाता है, तो इट्स बेटर कि ये है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं फटाफट याद करा देता हूँ। पहले वाले को सेम लिखते थे, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस इसको इसे किया, फिर इसको माइनस साइन दे देते थे, इसको फॉरगेट करेंगे, इसको करेंगे 1 × -3 और फिर माइनस ऑफ दिस, राइट। ऐसे के कैप के लिए इसको फॉरगेट कर देंगे, इसको कर देंगे, इनको 4 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 × -2 - ऑफ दिस, राइट। सो ये हमारा शॉर्टकट है ए क्रॉस बी निकालने का। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, करना कुछ नहीं है आपको, इसमें ए क्रॉस बी ही निकालना है, लास्ट में उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? आई कैप, जे कैप, के कैप, यहां पर सबसे पहले ए के कंपोनेंट्स आएंगे, बाद में बी लिखा है तो बी के कंपोनेंट्स आएंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक वेक्टर आएगा, हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी इजी है, कुछ नहीं है। एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी के, हम लोगों ने अभी तो पढ़ा कि आपको अगर ऐसा वेक्टर बताना है जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा? उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो अगर आपको एक ऐसा वेक्टर बताना है जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा? जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, आपको यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर बताना है जो परपेंडिकुलर है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो सबसे पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी निकाल लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी निकाल लेते हैं, यहां पर इनको एडअप कर देते हैं, 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। ऐसे ही a माइनस बी भी निकाल लेते हैं, सो i कैप + j कैप + k कैप - i कैप + 2j कैप + 3k कैप। i माइनस आई 0, j - 2j - j, k - 3k - 2k। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। सो लेट c इज इक्वल्स टू a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। a प्लस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर 2 3 4, ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 3 4। यहां से ए माइनस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 0 - 1 - 2 और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, तो ये आएगा -6 + 4 - 2i कैप। इसको इससे करेंगे तो ये बनेगा +4j कैप, और लास्ट वाले की बात करें अगर ये बनेगा प्लस, हाँ उसके बाद लास्ट वाले की बात करें तो ये बनेगा -2k कैप। तो ये आ गया मेरा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब सी वेक्टर। हमें C का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा क्योंकि जो वेक्टर इनके परपेंडिकुलर आएगा मुझे उसको यूनिट भी बनाना है। तो यूनिट कैसे बनाएंगे, उसको निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, -2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर - -2 का स्क्वायर। ये 4 आएगा, यहां से 4 आएगा 8 और यहां से आएगा 16, दैट इज √24। और भाई √24 कितना बनेगा, 2√6। So therefore, required vector is C vector upon C का magnitude. तो C vector आया है -2i कैप + 4j कैप
माइनस टू के कैप अपॉन टू रूट सिक्स। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बनेगा माइनस वन अपॉन रूट सिक्स आई कैप टू अपॉन रूट सिक्स जे कैप माइनस वन अपॉन रूट सिक्स के कैप। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर राइट। ये बनेगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर राइट। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको बस कंसेप्ट को समझ में आना चाहिए कि जब भी कभी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो अगर वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो वो कौन होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट राइट। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, टॉपिक हमारे सारे खत्म हो गए हैं, हमें बस अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। सो जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं, मैं उनको करा रहा हूं क्योंकि वो दोबारा भी आ सकते हैं आने वाले टाइम में ठीक है। सो आपको लैम्डा म्यू निकालना है सच दैट दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो वेक्टर दे रखा है। सो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें सो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कुछ इस प्रकार बात करनी है हमें। पहले वेक्टर आएगा 2627 वाला और उसके बाद आएगा 1 लैम्डा म्यू वाला। एक्सपेंड कर लेते हैं तो भाई साहब ये बनेगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इंटू आई कैप, उसके बाद माइनस ये बनेगा 2 म्यू माइनस 27 जे कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 के कैप इक्वल्स टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर मतलब 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो कोरस्पोंडिंग कंपोनेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा। सो पहले वाले के इक्वल दूसरे वाले के इक्वल। सो माइनस 2 म्यू माइनस 27 इज 0 और फिर सेम तीसरे वाले के इक्वल। सो 2 लैम्डा माइनस 6 इज 0। हमें लैम्डा और म्यू निकालना है, यहां से नहीं निकालते यहां से निकाल देते हैं। तो यहां से म्यू की वैल्यू आएगी 27/2 और वहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी 3। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोर्ड्स में आ चुका है और बहुत ज्यादा ट्रिवियल क्वेश्चन है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा ट्रिवियल क्वेश्चन है पर बोर्ड्स में आ चुका है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है राइट। और एनसीईआरटी क्वेश्चन है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या बताऊं, ये आपके पेपर में आ सकता है, आपको बोर्ड में दोबारा दिख सकता है कुछ वैल्यूज को चेंज करके, बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसे टाइम पास क्वेश्चन नहीं होंगे। इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल पाई बाय 3 विद आई कैप, हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में, तो क्वेश्चन के हिसाब से बात करें सो अल्फा की वैल्यू है पाई बाय 3, वो यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। पाई बाय 4 विद जे कैप तो बीटा की वैल्यू है पाई बाय 4 एंड एन एक्यूट एंगल विद के कैप मतलब गामा की वैल्यू होगी थीटा। हमें सबसे पहले तो थीटा ही बताना है कि भाई थीटा क्या होगा। सो अगर ऐसा है सो कोस अल्फा की बात करें, कोस अल्फा एल होता है सो दैट विल बी कोस पाई बाय 3। बात करें उसके बाद एम की जो हमारा सेकंड डायरेक्शन कोसाइन होता है दैट इज कोस ऑफ बीटा, कोस बीटा मतलब कोस पाई बाय 4 और थर्ड वाले की बात करें सो दैट विल बी कोस ऑफ गामा मतलब कोस ऑफ थीटा। दैट इंप्लाइज L की वैल्यू cos pi by 3 की बात करें तो 60 डिग्री पे 1/2 देगा, M की बात करें तो 1/√2 देगा और N की बात करें तो उसको सेम रहना पड़ेगा cos theta। हमें ये भी पता है कि भाई L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर 1 होगा, दैट इंप्लाइज 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा यहां से 1 होगा। तीनों की वैल्यू उठा के मैंने इस पे पुट कर दी, ये 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos square theta equals to 1, so cos square theta will be 1 minus 1/2 minus 1/4, LCM लेंगे तो 4 आएगा, 4 minus 2 minus 1 that is 1/4, LCM लेंगे तो 4 आएगा। हमें theta निकालना है so that implies cos theta is, देखो अब जरा ध्यान से देखो, cos square theta 1/4 आया तो cos theta आएगा plus minus 1/4 और plus minus 1/2 right, square root लेंगे plus minus आएगा, but हमारा जो theta है ना वो acute angle है, acute मतलब 0 से 90 में है, तो cos theta अगर बात करूं तो cos कहां लाइन करेगा, first quadrant में। first quadrant में cos कैसा होता है, positive, as theta is acute angle
दैट इंप्लाइज कोस थीटा इज हाफ. अब कोस थीटा हाफ है तो थीटा क्या होगा? पाई बाय थ्री. तो सबसे पहले तो हमें यही निकालना था कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय थ्री. तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कि थीटा की वैल्यू होगी पाई बाय थ्री. इसके बाद हमें ए के कंपोनेंट्स बताने हैं. कंपोनेंट्स मतलब आई जे और के कोएफिशिएंट्स बताने हैं. अब जरा ध्यान से देखो, ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, और हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था पहले कि अ यूनिट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, है ना. एंड हेंस ए वेक्टर इज कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप. सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं. कोस अल्फा की वैल्यू वहां से क्या आई थी, 1 बाई टू. कोस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 1 बाई रूट टू. कोस गामा की बात करें तो गामा मेरा कितना आया है, पाई बाई थ्री. सो दैट विल बी अगेन 1 बाई टू. सो भाई ये मेरा बनेगा ए वेक्टर. इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. चल आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को कर लेते हैं. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए. इफ द वर्टिसेस एबीसी ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, हमें एबीसी के वर्टिसेस दे रखे हैं, फाइंड द एंगल बी. तो सपोज कर लो मेरे पास एक ट्रायंगल है कुछ इस प्रकार, ठीक है, कुछ इस प्रकार एक ट्रायंगल है. लेट इट बी ए बी और सी. मुझे ना ये वाला एंगल बताना है कि क्या होगा, और एबीसी के ना मुझे वर्टिसेस दे दिए उसने. अब जरा सोच के देखो, अगर मैं यहां से एक वेक्टर बना लूं बी ए और बी सी, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तो मैं निकाल ही सकता हूं. हमें ये वाला एंगल निकालना है. सो अगर मैं यहां से बी ए वेक्टर निकाल दूं और बी सी वेक्टर निकाल दूं, तो दो वेक्टर मेरे पास आ गए. इन दो वेक्टर्स के बीच में ये जो दो वेक्टर्स बनेंगे बी ए और बी सी, इन दो वेक्टर्स के बीच में जो भी एंगल होगा उसका फॉर्मूला हमें निकालना आता ही है ना. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर ए पॉइंट वो है तो उसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, कुछ इस प्रकार. OB क्या आएगा, B का पोजीशन वेक्टर, माइनस आई कैप जीरो जे कैप जीरो के कैप. और OC वेक्टर क्या होगा, जीरो आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप. तो बेसिकली हमें BA और BC निकालना है, और BA किसके इक्वल होगा, OA माइनस OB के. OA माइनस OB के, ये OA है ये OB है, तो दिस माइनस दिस. तो सबसे पहले आएगा टू आई कैप टू जे कैप के कैप. एंड हमें बीसी वेक्टर भी निकालना है, सो दैट विल बी ओसी माइनस ओबी. सो भाई ये ओसी है और वो ओबी है, दिस माइनस दिस. सो दिस माइनस दिस करेंगे तो आई कैप, दिस माइनस दिस करेंगे तो जे कैप प्लस टू के कैप. हमारे पास ये दो वेक्टर्स आ गए, कौन कौन सा, बी ए और बी सी. मुझे इन दो के बीच का एंगल बताना है, और हमें पता है इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, थीटा बी द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी, देन बी ए डॉट बी सी. ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कोस थीटा. बी ए डॉट बी सी की बात कर लेते हैं, बी ए डॉट बी सी की बात कर लेते हैं कि क्या आएगा. ये बी ए ये बी सी हो गया इज इक्वल्स टू मॉड बी ए. मॉड बी ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड. सो दैट विल बी टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर इन टू मॉड बी सी. मॉड बी सी मतलब इसका स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. सो दैट विल बी वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इन टू कोस थीटा. हमें बस यहां से कोस थीटा निकालना है और हमारा काम खत्म. तो ऐसा करता हूं, कोस थीटा को एक जगह रखते हैं, बाकी सब एक तरफ. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई से आई वाला होगा, जे से जे वाला होगा, और के से के वाला होगा. ये नौ, तीन का स्क्वायर नौ हो गया, नौ चार तेरह और चार सत्रह, रूट सेवनटीन. ये दो का स्क्वायर चार पांच छह, तो यह आएगा रूट सिक्स. सो दैट इज टेन अपॉन रूट सेवनटीन इंटू सिक्स, ठीक है. भाई साहब यहां से थीटा आएगा कोस इनवर्स ऑफ टेन अपॉन रूट सेवनटीन इंटू सिक्स. ये आपका फाइनल आंसर होगा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी.
ठीक है, आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, आप इतने से करो, दैट्स इट, आपको आइडिया लग गया यहाँ से करना क्या है, तो बिना फिगर के आप इसको कर सकते हो, फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं है, बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, दैट इज, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ रिमार्क्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, आई थिंक आप लोग इनको खुद से ट्राई कर सकते हो, कि अगर ए और बी जो है ना वो एडजेसेंट साइड्स हैं एक ट्रायंगल के, आपके पास एक ट्रायंगल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स हैं ए और बी, तो उस ट्रायंगल का एरिया इज गिवन बाय दिस, उस ट्रायंगल का एरिया इज गिवन बाय हाफ टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, अगर इसी की जगह पे पैरेललोग्राम होता ना तो वहां से हाफ हट जाता, वो सिंपली मॉड ए क्रॉस बी आ जाता। तो ये मेरे हिसाब से बहुत इजी सी चीजें हैं जो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं ऐसा करता हूँ ये वाला आप खुद से ट्राई करना, जैसे पिछले वाले में मैंने साइड्स निकाली थी, आप ऐसे ही एडजेसेंट साइड्स निकालोगे, मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ जिसमें हमें पैरेललोग्राम का निकालना है, पर शर्त ये है कि साइड्स जो है वो ना एडजेसेंट्स होनी चाहिए, अगर साइड्स एडजेसेंट नहीं ली आप लोगों ने पैरेललोग्राम में तो आपके लिए प्रॉब्लम है, ट्रायंगल में तो वैसे भी कोई दो साइड लो एडजेसेंट बनेंगी ही बनेंगी, सो आपको एडजेसेंट साइड्स उसने दे दी है कि ये उसकी एडजेसेंट साइड्स है, करना क्या है, सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, सो ये 1 - 1 = 3, ये 2 - 7 और ये 1, सो भाई साहब ये बनेगा -1 + 20 आई कैप माइनस, ये आएगा 1 - 6 तो 5 जे कैप, उसके बाद इसकी बात करें तो ये बनेगा -7 और ये बनेगा -(-+-5) ठीक है, सो ये आएगा आपका ए क्रॉस बी, ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हमें मॉड करना है ए क्रॉस बी का, दैट इज 20 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + -5 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 400 + 25 + 25, दैट इज √450 का आप लोग फैक्टर बना सकते हो, दैट विल बी 5, सो दैट विल बी 5√18, दैट विल बी 5√18, ये आएगा आपका एरिया स्क्वायर यूनिट्स, राइट, ये आएगा आपका इसका आंसर, फाइन, ये आपका होमवर्क है और हमारा चैप्टर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है, एकदम कंप्लीट हो चुका है, आपको लेक्चर्स को सारे को अच्छे से देखना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं खुद से उसके और होमवर्क को करना है, उसके बाद आपका छोटा सा काम रह जाएगा प्रीवियस ईयर करना, राइट, और आपका चैप्टर तैयार हो गया बोर्ड के हिसाब से, अगर आप जेईई पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी सारी चीजें हैं जो कवर हो जाएंगी, जेईई की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा टॉपिक्स बचते नहीं है 12th क्लास में सीबीएसई और जेईई में, ठीक है, तो ये सब आपको वहां पढ़ना भी पड़ेगा ऑलरेडी, ठीक है, सो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ, आपको चैप्टर कैसा लगा, कितने अच्छे से समझ में आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।